हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षण। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्षेत्रफल परिमाप और आयतन स्टार्ट किया था। क्षेत्रफल परिमाप पे हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे वर्ग पर, ठीक है, और आयत पर, ठीक है। उसको ही कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम घन और घनाभ क्या होता है। मान लीजिए तो ठोस आकृतियों का आयतन और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, यानी कि घन और घनाभ। जो ठोस आकृतियां होती, ठीक, ऐसी आकृति जो चारों तरफ से बंद हो या पैक हो और ठोस हो, मतलब सॉलिड हो, उसको क्या बोलते हैं, ठोस आकृति, ठीक है। तो उनमें जब ठोस आकृतियों का आपके पास वो आ जाता है तो उसमें कुछ आयतन भी जुड़ जाता है। जो आकृतियां अपने अंदर कुछ सामान रख सकती हैं, ठीक है, तो उन सभी का हम आयतन निकाल सकते हैं। जैसे कि पानी का गिलास मान लीजिए, ठीक है, कोई बोतल मान लीजिए, ठीक। तो जो आकृतियां अपने अंदर कुछ सामान रख लेती हैं, उनके अंदर कुछ कैपेसिटी होती है किसी भी वस्तु को रखने की, जैसे द्रव हो गया कोई, ठीक है, या पानी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, ये सारी की सारी, इन सब चीजों का हम आयतन निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी के अनुसार हम कुछ जो आपके सिलेबस में उन्हीं की आकृतियों का हम आयतन और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। पहला है आपके सिलेबस में घन, ठीक है, घन यानी कि क्यूब, और दूसरा है घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, ठीक है। घन और घनाभ ये आपके सिलेबस में है, ठीक। तो ये दोनों ही ठोस आकृतियां हैं, यानी कि इनके अंदर कुछ कैपेसिटी यानी कि आयतन होता है या वॉल्यूम होता है, ठीक, आयतन, ठीक। दोनों ही ठोस आकृतियां हैं यानी कि सॉलिड है, ठीक। तो देखते हैं घन और घनाभ में अंतर क्या है। घन क्या होता है, घन मान लीजिए अपने पास एक वर्ग है, वर्ग मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों ही चारों एक दूसरे पर लंबवत हो, यानी कि 90 डिग्री पर हो, ठीक। तो घन बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक वर्ग लेना पड़ेगा, ठीक। तो वर्ग, एक वर्ग ऊपर बनाएंगे, एक वर्ग इसके पैरेलल नीचे की तरफ ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, चारों कोने आपस में मिला देंगे, इस कोने से इसका, इस कोने को इसको, और इस कोने से इसका, इस कोने को इसको, ठीक है। तो दो वर्गों को मिलाकर क्या बन गया, सॉरी दो वर्गों कह रहा हूं, हमने दो वर्ग बनाए, उनके सारे कोने मिला दिए, ठीक है। तो इसके अनुसार आप देख सकते हैं घन कैसे बनता है, वर्गों के जो मिलान बिंदु है उनको मिलाने पर, ठीक है। तो क्यूब एक ऐसी सॉलिड आकृति या ठोस आकृति जो इसकी चारों सारी की सारी भुजाएं बराबर हो, ठीक है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ठीक है, और ये ग्यारह और ये बारह, ठीक है। टोटल कितनी होती है इसमें क्यूब में, बारह भुजाएं, ठीक है, गिन सकते हैं आप ऐसे भी, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। इसके और आमने सामने ये दो फलक, टोटल फलक कितने होते हैं, छह फलक, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे, इसमें टोटल भुजाएं हमने काउंट कर ली, पहले देख लीजिए दोबारा से, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ये चार भुजा, ठीक है, ये पांच, ये छह, ये सात, ये आठ, ठीक है। अब बची कौन सी, दो ये वाली और दो ये वाली, नौ, दस, ग्यारह और ये बारह। तो टोटल कितनी भुजाएं होती हैं एक घन में, या टोटल भुजाएं या कुल भुजाएं या साइड्स टोटल कितनी होती है घन में, बारह, ठीक है। बनता किससे मिलकर है, जितने भी इसमें घन में जितने भी अपने पास साइड्स होंगी वो सारी की सारी किसकी, वर्ग की आकृति होती है। तो इसकी सारी भुजाएं बराबर, बराबर होती हैं, ठीक है। अब निकालेंगे इसमें सबसे पहले वर्ग का, वो घन का आयतन, घन का आयतन यानी कैपेसिटी, यानी उसमें कितना सामान आ सकता है, घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा घन का, वॉल्यूम सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं साइड ए, या फिर लिख लेंगे भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, ठीक है। ये क्या हो जाता है, घन का आयतन यानी कि
तीन बार भुजा को गुणा किया तो भुजा का घन यानी कि क्यूब, ठीक है। तो भुजा का क्यूब क्या हो जाएगा, घन का आयतन, इसका लिख देंगे आप पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जितने भी उसके फलक हैं या जितने भी उसके पार्ट हैं, यानी जितने उसमें घन, जितने भी उसमें वर्ग हैं, ठीक है, तो उन सबको पृष्ठीय क्षेत्रफल में काउंट करेंगे हम। टोटल कितने हैं, अगर एक का साइड है, एक एक तरफ मान लीजिए एक ये वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग, ठीक है। इसी प्रकार टोटल कितने वर्ग है काउंट कर लेते हैं, एक वर्ग, दो वर्ग, तीन वर्ग, चार वर्ग, पांच वर्ग और छह वर्ग। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, टोटल जो है उसमें वर्ग में उनका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे, ठीक है। कितने टोटल वर्ग है इसमें, छह। हमने पता किया था कि एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। टोटल इसमें कितने हैं, छह, तो छह का और गुणा कर देंगे तो अपने पास पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा छह गुणा भुजा का स्क्वायर, बराबर लिख देंगे छह गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये घन का क्षेत्रफल हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब आ जाता है इसमें विकर्ण, विकर्ण क्या होता है, मैंने बताया था कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को तिरछी रेखा माने, ठीक है, तिरछी रेखा जो मिलाई जाती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तिरछी रेखा, उसका विकर्ण कहलाता है। उसका विकर्ण क्या होगा, बराबर, ठीक है, सीधे सीधे लिख सकते हैं हम ए मल्टीप्लाइड रूट थ्री या भुजा गुणा गुणा रूट थ्री, ठीक है। तो इसका विकर्ण क्या निकला के आ जाएगा अपने पास, भुजा गुणा रूट थ्री, ठीक है। तो ये सारे याद करने आपको फॉर्मूले, एक दो और ये तीन, ठीक है। तो घन हमें समझ में आ गया, घन में सारे के सारे जितने भी पृष्ठ होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, ठीक है। घन का आयतन निकालना सीखा, घन का आयतन क्या होता है, जितनी भी भुजाएं हैं उनका गुणा कर दीजिए, सॉरी जितनी है तीन भुजाओं का गुणा, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, तो भुजा का क्यूब क्या हो जाता है, घन का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि एरिया, बराबर भुजा का स्क्वायर, एक वर्ग का निकालेंगे वो होता है भुजा स्क्वायर, टोटल छह फलक है यानी कि छह उसके फलक यानी कि दीवारें हैं, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, छह गुणा भुजा का स्क्वायर, उसका एक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। विकर्ण क्या होता है, भुजा गुणा रूट थ्री यानी कि एक भुजा गुणा रूट थ्री, विकर्ण क्या हो जाएगा, एक कोने से दूसरे कोने का मिलान मिल जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं घनाव यानी कि क्यूबॉइड, घनाव घन में यही अंतर होता है, इसमें सारी भुजाएं बराबर होती है और क्यूबॉइड में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो क्यूबॉइड कैसे बनता है, मान लीजिए अपने पास एक आयत है, ठीक है, इसमें क्या लिया था अपने वर्ग, इसमें लेंगे आयत, इसी प्रकार उसके पैरेलल एक आयत और बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, इसमें मिलाए थे बिंदु, इनके बिंदुओं को मिला देंगे कोनों को, एक दो तीन चार, ठीक है, ये अपना क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। क्यूबॉइड में क्या है, इसमें सारी भुजाएं बराबर, इसमें आमने सामने की भुजाएं मान लेते हैं बराबर है, ठीक है। तो मान लीजिए ये L है, तो इसके सामने ये L, ठीक है, इसके सामने ये L, इसके सामने ये L, ठीक है, और ये B, इस B के सामने ऊपर वाली B, ये इसके सामने के इसके B, ठीक है, और जो उसकी ऊंचाई है उसको मानते हैं H, ठीक है, ये H, ये H, ये H और ये, ठीक है। तो घनाभ में भी देख लेते हैं कुल भुजाएं, अपने पास कितनी हो जाएंगी, 12 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट आमने सामने की भुजाएं बराबर यानी अपोजिट साइड्स की भुजाएं बराबर, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें घन का आयतन था, इसमें घनाभ का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा लिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ भुजाओं की जगह हमने एल बी एच लिया यानी कि लंबाई
गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये इसका आयतन हो जाएगा। लिख सकते हैं एल गुणा बी गुणा एच, ठीक है। चौथा पॉइंट लिख सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधे टू गुणा एल प्लस बी इंटू एच, यानी कि दो गुणा लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा दो गुणा लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो घनाभ का जो अपने पास आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा दो गुणा लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसका आयतन क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और बाकी सब याद रखते हैं। इसमें सारी के सारे आयत से बनती है, ठीक है। इसमें आमने सामने हमेशा आयत मिलेगा, एक आयत ये है, इसके सामने वाला आयत ये है, ठीक है, एक ये है और ये है। अब ये क्यूब और क्यूबॉइड आपको कहाँ देखने मिलेंगे, क्यूब जो होता है जो आपने लूडो खेला हो उसमें जो पासा होता है वो क्यूब की शेप में होता है, ठीक है, ठीक है। और रूबिक्स क्यूब जो घुमाने वाला होता है वो भी क्यूब की शेप में यानी घन की शेप में होता है। क्यूबॉइड लगभग सारे कमरे होते हैं वो घनाभ की शेप में होते हैं, ठीक है, जो भी जितने भी रूम होंगे आपके घरों में भी, क्योंकि उसमें सारी सारी आमने सामने की भुजाएं जरूर बराबर मिलेंगी आपको। जो भी कमरे मिलेंगे आपको घनाभ की शेप में मिलेंगे, जिस रूम में आप अभी बैठे हो वो घनाभ की शेप में, क्योंकि जितने क्यूब जितने भी अपने पास वो है रूम, ठीक है, उन सब में भी कितनी साइड्स होती है 12, ठीक है, तो सारे रूम्स घनाभ की शेप में आपको लगभग मिल जाएंगे। चलिए इन पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछता है, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में जरा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन बताएंगे, ठीक है, इसमें पूछ रहा है। तो 10 सेंटीमीटर वाले दो ठोस घन, पहला घन बना लेते हैं हम, ठीक है, और इसके बगल में ही हम दूसरा घन बना लेते हैं सटा हुआ इससे, एक ये है एक इसका ये है। इसमें कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर, इसकी भी 10 सेंटीमीटर लंबाई है और इसकी भी 10 सेंटीमीटर लंबाई है, ठीक है, और इसकी 10 ऊंचाई, इसकी भी 10 ऊंचाई, ठीक है, और चौड़ाई देख लेते हैं, चौड़ाई कौन सी होगी ये, ठीक है। अब देखिए इसमें जब दोनों को सटा के रखा तो लंबाई क्या हुई 10 प्लस 10, टोटल लंबाई जो हो जाएगी तो हो जाएगी 20, ठीक है, और ऊंचाई वही रहेगी 10 और चौड़ाई भी 10 रहेगी, ठीक है। अपने पास ये घना बन गया क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीन चीजें अलग अलग आई इसमें, ठीक है, तो इसमें लिख देंगे हम सीधे सीधे। अब पूछ रहा घनाभ का आयतन बताइए, तो घनाभ का आयतन हमें पता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। अपने पास लंबाई कितनी है यहाँ 20 जो हमने निकाली है, चौड़ाई वही रहेगी 10 और ऊंचाई वही रहेगी 10, तो टोटल अपने पास जो उत्तर आएगा घनाभ का आयतन वो आ जाएगा 2000 आयतन मतलब घन मीटर या मीटर का क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में देखिए सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपने पास घनाभ का आयतन आ गया सीधे सीधे 2000 घन सेंटीमीटर, ये 2019 में आया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। घन की भुजा 8 सेंटीमीटर, घन बनाइए एक स्क्वायर उसके पैरेलल दूसरा स्क्वायर, उनकी भुजा को मिला दीजिए, इस सबकी भुजा 8 है, हम जानते हैं घन में सारी भुजाएं बराबर, तो ये भी 8 8 8 8 8 8 8 8, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं कितना होता है 6 × भुजा का स्क्वायर, ठीक है, तो 6 × भुजा कितनी अपने पास 8 का स्क्वायर, 6 × पहले भुजा का स्क्वायर करेंगे 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 × 24 मल्टीप्लाई करेंगे 36 और 2 38, तो अपने पास जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो आया इसके पास सेंटीमीटर 384 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक कमरा 30 मीटर लंबा 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसमें लंबाई भी अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई भी अलग है, तो ये देखने से पता चल रहा है घनाभ है, घनाभ में सारी लंबाइयां अलग होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक ठीक तो घनाभ हो जाएगा जी। घनाभ क्या सीधे सिरपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमने बताया था अभी, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, चौड़ाई फिर ब्रैकेट बंद करके ऊंचाई, ठीक है सबकी जगह रख देंगे, तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई मतलब लंबाई है 30, चौड़ाई है 22 गुणा ऊंचाई है 9, ठीक है पहले अंदर वालों को जोड़ेंगे, 2 गुणा 30 और 22 अपने पास हो गया 52 गुणा 9, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का करेंगे पहले 2 2 4 2 5 10 गुणा 9 क्या आ जाएगा अपने पास 9 6 36 9 1 9 तो टोटल अपने पास जो उसका क्षेत्रफल आया पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 936 मीटर स्क्वायर। देखिए कितने आसान तरीके से हमने सीधे सीधे फॉर्मूला रखे हमने सारे के सारे क्वेश्चन किए, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे सीधे ठोस आकृति के ऊपर, बस आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है यही हमारा जो है पूरा पूरा जे एंड बी का मोह जो भी अपना सिलेबस है मैथ का वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से हम थोड़ा रीजनिंग पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है तो इस तरह आप मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए और लेक्चर को शुरू से दोबारा देखिएगा, और दोबारा देखकर जितनी प्रैक्टिस आप मैथ्स की करेंगे उतना ही आपका अच्छा प्रैक्टिस होगा और एग्जाम में अच्छा करके आएंगे, ठीक है तो यहाँ मैथ खत्म होती है, नेक्स्ट लेक्चर में हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।